लेफ्ट पार्टियों का आखिरी किला केरल भी खतरे में है। एक तरफ कमल तो दूसरी तरफ हां सबरीमाला और बाढ़, इंडियन मुस्लिम लीग और BDJS। मतलब साफ है कि वोट का बंटवारा बहुत साफ और तीखा हुआ है। वायनाड का मुकाबला इसलिए अहम नहीं कि यहां अमेठी से आकर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए अहम है कि इस मुस्लिम बहुल सीट से तय होगा कि मुस्लिमों का झुकाव किधर है। और तुषार वेल्लापल्ली के हिस्से में आने वाले वोट बताएंगे कि केरल के हिंदुओं के कदम किस तरफ उठ गए हैं। दोनों ही स्थिति में LDF को नुकसान के अलावा कुछ होता दिखता नहीं। सबरीमाला को लेकर LDF और UDF ही नहीं, BJP की अपनी अपनी समझ है। पिनराई विजयन के हिसाब से उन्हें इसका कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा, लेकिन BJP की उम्मीदें परवान पर है। कांग्रेस वायनाड और राहुल इफेक्ट के सहारे है, लेकिन मतदान के संकेत बताते हैं कि तिरुवनंतपुरम हो या फिर वायनाड, लड़ाई कांटे की हुई है। कौन बाजी मारेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी के मैदान में होने से दूसरी सीटों पर कांग्रेस जोश में है। BJP का करीब आधा दर्जन सीटों पर प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। भारतीय जनसेना के साथ आने के बाद BJP के वोट बैंक में बहुत कुछ जुड़ा। केरल में गोमांस और पीट पीट कर मार देने का मुद्दा भी रहा। गोवंश की हत्या भावनात्मक मुद्दा बनाई गई। BJP और UDF की लड़ाई ने कई सीटों पर LDF को मुकाबले से बाहर कर दिया। संकेत तो इस बात के हैं कि वामपंथियों का आखिरी किला केरल भी कुल मिलाकर खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।